हैविस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आज जरूरी बात में हम बात करेंगे पैन कार्ड 2.0। दरअसल भारतीय आयकर विभाग ने पैन कार्ड का 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। यह पैन 1.0 का अपडेटेड वर्जन है। अभी तक 1972 में शुरू किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब पैन 2.0 का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा। पैन 1.0 में बदलाव करते हुए पैन 2.0 लॉन्च किया गया है। 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने पैन 2.0 योजना के लिए 1,435 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। केंद्र सरकार पैन 2.0 के जरिए सुरक्षा में सुधार करना चाहती है, इसलिए पैन 2.0 में नए और ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल फीचर्स को जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, पुराने पैन कार्ड में सुरक्षा की खामियां थी, जिससे धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे थे। किसी व्यक्ति के पैन कार्ड से उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी भी बढ़ने लगी थी। मौजूदा वक्त में पैन कार्ड को अपडेट करने वाले सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराने हैं। इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से कई बार परेशानियां आ जाती है, इसलिए नए पैन कार्ड में सिस्टम को डिजिटल तौर पर तैयार किया जाएगा। नए सिस्टम की मदद से पैन कार्ड यूनिवर्सल आईडी की तरह काम करेगा। पैन 2.0 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो पैन 2.0 का फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, इसका डिजिटल कार्ड बनेगा। इससे पैन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोका जाएगा। पैन 2.0 में QR कोड का फीचर जोड़ा गया है। QR कोड में पैन कार्ड होल्डर का नाम और पैन नंबर छिपा रहेगा। इस कोड को स्मार्टफोन या किसी भी स्कैनिंग डिवाइस से स्कैन करके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। पैन 2.0 को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड लिंक है तो इसे नए कार्ड से अपडेट करना होगा। इससे टैक्स पेयर्स की आसानी से पहचान हो सकेगी और इनकम टैक्स की चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। जरूरी बात में इतना ही। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।